मैं रेणु मिश्रा, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का अध्ययन और अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पाठ क्रमांक है 14, शीर्षक है मैं सड़क हूँ। उसके अंतर्गत हम पाठ का वाचन, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर का अवलोकन करेंगे। आइए सबसे पहले आपके पाठ पुस्तक से संबंधित मैं सड़क हूँ का वाचन करते हैं। बच्चों, यहाँ सड़क अपने आरंभिक स्वरूप के बारे में और अब तकनीक के बारे में और अपनी भावनाओं के बारे में दर्शा रही है। देखिए, सड़क क्या बोलती है? सड़क कहती है, मैं सड़क हूँ, मुझ पर सब चलते हैं। सड़क क्या बोल रही है कि मैं सड़क हूँ, मुझ पे चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, विभिन्न प्रकार के वाहन हो, सभी मुझ पर चलते हैं। सड़क क्या कह रही है? चाहे वो आदमी हो, उसमें चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, किसी भी एज का हो, सभी मुझ पर चलते हैं। मुझ पर रिक्शे चलते हैं, बस चलती है, साइकिल चलती है और सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। सड़क क्या बोल रही है कि मैं सड़क हूँ, मुझ पर सब चलते हैं, चाहे वो आदमी हो, रिक्शा हो, बस हो, साइकिल हो, सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। सभी अपने आवश्यकता के अनुसार मुझे प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए सड़क क्या बोल रही है। बालक, जवान, बूढ़े, सभी के काम आती हूँ। सड़क क्या बोल रही है? मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वाहन के लिए नहीं हूँ। सड़क बोलती है कि चाहे बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, मैं सभी के काम आती हूँ। जो भी मुझे अपने आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहता है, यानी इधर से उधर आना चाहता है, मैं उन सभी के काम आती हूँ। फिर देखिए सड़क बोलती है, मैं घर और विद्यालय के बीच में सेतु हूँ। सेतु यानी कि बांध, ब्रिज, यानी घर से विद्यालय आने जाने का एक जरिया हूँ। उसके बाद सड़क क्या बोलती है? लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सड़क कहती है कि जैसे ही मैं विकसित होती हूँ, लोग मेरे किनारे घर बना लेते हैं, सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगा लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं बच्चों, कि जैसे ही सड़क का निर्माण होता है, बिल्डिंगें बनती हैं, लोग आके रहने लगते हैं, और चूँकि हमारी कुछ ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, उसके अनुसार लोग मकान बसने के बाद, आवास बनने के बाद विभिन्न प्रकार की दुकानें लगाते हैं। तो सड़क कहती है कि जैसे ही लोग मेरे किनारे मकान बनाते हैं, सामान बेचने वाले भी दुकानें लगा लेते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। आपको, जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, कि हर एक जगह का कुछ नियम और कायदे होते हैं, उसी तरीके से सड़क पर यातायात को अनुशासित रखने के लिए भी पुलिस का सिपाही होता है, जो कि चौराहे पे खड़ा होता है, जो कि वाहनों को सही रास्ता दिखाता है कि कौन सी गाड़ी को दाएं जाना है, कौन सी गाड़ी को बाएं जाना है, किसको कहां पे रुकना है, ताकि दुर्घटनाएं ना हो सकें। और अगर कोई यातायात के नियमों का पालन नहीं भी करता है, तो वह उन्हें रोककर दंडित भी करता है। इस तरीके से चौराहे पर पुलिस का सिपाही, जो कि वर्दी पहने हुए खड़ा होता है, वो यातायात को अनुशासित करता है, यानी कि सड़क के नियमों का पालन करवाता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। सड़क क्या बोल रही है कि लोगों को अपने आवास तक, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई बार मुड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने को तैयार हूँ। सड़क क्या बोलती है कि मुझे मुड़ना अच्छा नहीं लगता है,
मैं तो हमेशा ही सीधी चलने को तैयार हूँ और सीधा चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी ऊंची नीची बना लेते हैं कि लोगों का गंतव्य स्थान जहाँ पे है या अपनी सुविधा के अनुसार लोग सड़क को टेढ़ा नीची और ऊंची बना देते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं। दूसरे पैराग्राफ में देखिए बच्चों, सड़क अपने स्वरूप के बारे में बता रही है। सड़क क्या बोलती है कि मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। आरंभिक यानी कि स्टार्टिंग, प्रारंभ, शुरुआत में, कि जब इतना तकनीक का विकास नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, तब सड़क का स्वरूप भी कच्चा था, यानी कि सड़क मिट्टी की बनी हुई थी। उस समय प्रारंभिक स्वरूप सड़क का मिट्टी का होता था, ईंट पत्थरों का होता था, कंक्रीट का होता था, और उस कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी चलती थी। जैसा कि आपको मालूम है, जो बैल होते हैं वो किसान के दोस्त माना जाता है, किसान का मित्र माना जाता है। किसान उससे खेतों में हल भी जोतता है और अपने सामान को भी इधर उधर ले जाने में उसका प्रयोग करता है। तो बैलगाड़ी का किसान विभिन्न तरीके से प्रयोग करता है। फिर सड़क बोलती है कि मेरे ऊपर तांगा भी चलता था स्टार्टिंग में, अभी भी है जो बहुत सी जगहों पर तांगे का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मेरे ऊपर ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का राजा भी बोला जाता है, क्योंकि बालू में किसी तरीके के वाहन नहीं चलते हैं, वहाँ पर सिर्फ ऊंट है जिसका कि हम प्रयोग करते हैं। फिर सड़क बोलती है कि फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी, लेकिन आजकल नई तकनीक आ गई है और इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। अपना ये नया स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। सड़क क्या बोल रही बच्चों कि मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था, उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने और नए तकनीकों का शुरुआत होने पर पहले कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनाई जाती थी, और फिर और ज़्यादा आधुनिक युग में नई तकनीक का यूज करके सीमेंट की सड़कें बनने लगीं। सड़क क्या बोलती है कि मुझे अपनी सीमेंट से बनी हुई सड़क जो है वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सड़क चिकनी होती है, सुंदर होती है। तो अपना यह नया स्वरूप देखकर, नया रूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब तक सीमेंट की सड़कें बनती हैं तो उस पर रोलर चलाकर बहुत सुंदर तरीके से सड़क को स्मूथ किया जाता है, पक्का किया जाता है, ताकि जो इंसान है वो आसानी से चल सकें और जो सड़क जो ऊंची नीची है उसको बराबर करते हैं। लेकिन सड़क को अपना नया स्वरूप तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको दुख कब होता है? सड़क क्या बोलती है? लेकिन मुझे दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं, लोग पान खाते हैं और बिना सोचे समझे जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं, कि लोगों को ये एहसास नहीं है कि वो जिस सड़क पर चल रहे हैं वो उनकी ही आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन लोग उसी सड़क को गंदा कर देते हैं, थूक देते हैं, पान खा के उस पर थूक देते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सड़क को स्वच्छ रखने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे स्लोगन जो कि दीवारों पर लिखे जाते हैं, लेकिन लोग उसको अनदेखा कर कर वहाँ पर थूकते हैं, टॉयलेट करते हैं और सड़क को गंदा कर देते हैं। ये सब देखकर सड़क को
बहुत दुख होता है कि मैं लोगों के लिए ही हूँ के लिए हूँ, लेकिन लोग मुझे गंदा कर देते हैं। इसलिए आजकल सरकार ने बहुत से नियम और कानून बनाए हैं कि जो लोग सड़क पर थूकते हैं उनसे फाइन लिया जाता है, मतलब कुछ उनसे पैसे वगैरह लिए जाते हैं या उनको दंड दिया जाता है ताकि लोग थूक ना पाए। फिर देखिए सड़क बोलती है, लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं, इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। सड़क क्या बोल रही बच्चों कि कभी कभी लोग मुझे बिना मतलब के गड्ढे खोद देते हैं, तो इससे शरीर पे, जैसे अगर हमको शरीर पे कोई चोट करता है तो या हमको मारता है तो हमको तकलीफ़ होती, उसी तरीके से सड़क भी क्या बोल रही है कि अगर जो लोग गड्ढे खोद देते हैं इससे मेरे शरीर पर घाव हो जाते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि इन गड्ढों के कारण ही अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। कभी कभी पानी की पाइपों वगैरह को चेंज करने के लिए या सड़क की मरम्मत करने के लिए भी जगह जगह पर सरकारी कर्मचारी गड्ढे खोद देते हैं और बाद में उनको वो भरना भूल जाते हैं, जिससे सड़क की दयनीय दशा हो जाती है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी इन गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं भी होती हैं। सड़क ये सब देखकर बहुत दुखी होती है कि लोग अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए मुझ पर थूक देते हैं, मुझ पर गड्ढा कर देते हैं और इन गड्ढों के कारण ही उन्हीं इंसानों के बीच दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनके वाहन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सड़क को ये सब देख के बहुत दुख होता है कि इतने सारे यातायात नियमों के पालन बनाए गए हैं, पालन करने के नियम बनाए गए हैं, उनको प्रयोग में लाने के लिए बहुत सारे दंड निर्धारित किए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी आवश्यकता के पूर्ति के लिए सड़क को गंदा कर देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं और इन सब के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हानि होती है। ये सब देख के सड़क को बहुत दुख होता है। सड़क कहती है कि फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो सदा ही साफ़ सुथरी रहना चाहती हूँ, सुंदर दिखना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ वहीं पर परिसर विकसित हो जाता है। परिसर मतलब आसपास का वातावरण, जैसा कि आपने देखा है कि जहाँ कच्ची सड़कें हैं जैसे ही वहाँ पक्की सड़कें बनती हैं वहाँ पे मकान बन जाते हैं, लोग आके रहने लगते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, स्कूल खुल जाते हैं, अस्पताल बन जाते हैं, बाज़ार बन जाते हैं। तो सड़क क्या बोलती है कि मैं तो सदा ही साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ ताकि कोई भटके नहीं। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। जो पुराने ज़माने में लोग पैदल चल के महीनों कई दिनों में एक दूसरे से मिलते थे, आज सड़क नई तकनीक के कारण, सीमेंट की सड़कें बनने के कारण लोग वाहनों में यात्रा करते हैं और आसानी से एक दूसरे से मिल लेते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ उनका परिसर अच्छा विकसित हो जाता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं, क्योंकि बच्चों जब लोग या गांव जब एक दूसरे से मिलते हैं तभी उनमें आपस में मित्रता बढ़ती है। सड़क पूरे देश में खुशहाली लाना चाहती है। सड़क का विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी। सड़क का ये क्या विश्वास है कि मैं हर एक गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों का मेल जोड़ बढ़ाऊं, लोग
जो दूर देश में रहते हैं वो वाहन के जरिए में आपस में मिले जुले पूरे देश में खुशहाली लाओ, ये सड़क की इच्छा है। बच्चों, आपके वर्कबुक के क्वेश्चन के मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हैं, जिसको कि आपको अपने वर्कबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है।